बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता है कि उनका बीपी हाई है, तो 40 वर्ष के बाद में कम से कम कभी कभी हम सबको कुछ मेडिकल जो परीक्षण है वो कराते रहने चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है वह है बीपी। तो ब्लड प्रेशर हम कभी कभी जरूर चेक कराएं। कभी कभी बीपी हाई होने से भारीपन, सुन्नपन, चक्कर आना, बेचैनी, ये सारे लक्षण होते हैं। कभी कभी लो बीपी होने से शिथिलता, कमजोरी, वीकनेस, निद्रा, आलस्य और घबराहट, बेचैनी, ये चीजें होती हैं। यदि बीपी हाई है, लो है, तो भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षण के लिए, निदान के लिए आपको तत्काल जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के जो पैरामीटर्स हैं, जो संसाधन हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हमको उनको यूज करना चाहिए। पतंजलि में भी हम सभी तरह के सभी पैरामीटर्स, चाहे वो लीवर, किडनी वगैरह से लेकर के, बीपी से लेकर के, शुगर आदि या बाकी संसाधन भी, अल्ट्रासाउंड आदि भी हम यहाँ पर कराते हैं। तो सही ढंग से निदान हो जाए, निदान के बाद में फिर चिकित्सा। चिकित्सा के लिए मेरा निवेदन है कि यथासंभव योग के माध्यम से आपको दवाइयाँ कम से कम खानी पड़े, नेचुरोपैथी के माध्यम से, और फिर ज़्यादा परेशानी होती है तो आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से, घरेलू उपायों से अपने आप को ठीक करना चाहिए। एकदम घबराने से, बेचैन होने से कोई लाभ नहीं है। हाँ, यदि कोई शरीर में बीमारी आई है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, विचलित मत होइए, प्रयास करिए, आप 100% ठीक हो सकते हैं। तो जरूरी है जिनको घबराहट है या सुन्नपना रहता है, बीपी चेक करा लें। उसके बाद बादाम रोगन 4-4 बूंद नाक में डालिए, बहुत ही अद्भुत है। गाय का घी, पतंजलि का गाय का घी भी डाल सकते हैं। यदि आपको कहीं अपने गाँव में, घर में उपलब्ध हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं, घी डालिए। और खाने के लिए आयुर्वेद में हमारे यहाँ एक मेधा क्वाथ करके क्वाथ है, जड़ी बूटियों का क्वाथ, सामान्य क्वाथ है, कोई बहुत महंगा क्वाथ नहीं है। उसको आप उबाल करके प्रातः समय आप पियेंगे तो उससे भी पूरा लाभ हो जाएगा। साथ में मेधावटी, दो दो गोली आप सुबह शाम ले सकते हैं, तो इनका आप सेवन करिए। कई बार कब्ज रहने से, गैस, एसिडिटी बढ़ने से भी परेशानी होती है, इसका ध्यान रखिए कि आपको कब्ज न रहे, पेट साफ हो। खाने में हल्की चीज़ें आप ले लीजिए, नियमित रूप से प्राणायाम और योगासन करिए, निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बीमारी की भयावहता को सोच करके आप परेशान मत होइए, बहुत आराम से, बड़ी सहजता से कई बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं।